किसे बात तुम चमका तो बुआ का फोन आ गया बुआ आने वाली अरे कहा पापी की मम्मी कहा आती मैं कीर्तन में मेरी बहन आ रही है ना मैं तुम्हारा गुजर सा बाथरूम देखी मेरे से कहेगी बिमला तेरे बच्चे तो बाथरूम की शॉप नहीं रखते है ऐसे गंदे बाथरूम में तो मैं नहा भी नहीं पाती हूँ तेरी बुआ के कम नक्शे है मौसी को कुछ काम मत करने देना बेचारी घर से बहुत थक जाती है रे मैं आज खाने में क्या बनाएगी फिर काम नहाती हो तेरे भूपा जी को मूलिया थेचवा अच्छा लगता है बुआ भी वही खा लेगी मेरे पास मलाई पड़ी हुई है मठा बनाती हूँ फटाफट से मूलिया थेचवा खा लेंगे सभी सब ओ बाबा आते टाइम थोड़ा दूध ला देना हाँ मौसी लोग आ रहे हैं तेरी मिठाई भी होगी तो मिठाई भी ला देना मम्मी आज तो मौसी लोग ने क्या बना रही है अभी कुछ नहीं बना रही हूँ मौसी से ही पूछूंगी क्या खाएगी करके फिर बनाऊंगी उस हिसाब से पूजा तू सोचा ना बुआ के साथ अंदर कमरे में भूपा जी बाहर बैठक में सो जाएंगे वैसे भी बहुत जोर से खराटे मारते हैं बाबा तू अंदर वाले कमरे में सो जाना आज सुन तेरी मौसी और मैं बाहर बैठक में सो जाएंगे हाँ कदे लगा के अंदर तेरे पापा हल्ला मचाते हैं कदे रात भर गप्पे मारते रहते हैं तुम लोग करके तुम्हारा जैसा आदमी भी नहीं होगा किसी का 24 घंटे यहाँ बिस्तर में पड़े रहते ये इनकी बहन आई है थोड़ा बात कर लो पता नहीं खासे भाई बहन है बिल्कुल बात नहीं करते हैं आपस में दीदी को पैसे भी देने हैं बिटाली के हाथ में रख देना उनके जी तुम जानो तुम्हारा बिस्तर जाए नहीं दीदी मत देना मत देना रख रख मत देना।